अभी हम देखते हैं वेट क्या होता है। ठीक है, हमने भी देखा है मास। तो हम लोग मास कितने मेजर करते हैं, किलोग्राम या ग्राम में? हम लोग वेट नहीं मेजर करते। ठीक है, तो वेट क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन दिस मास इज कॉल्ड इट्स वेट। लाइक अगर ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ का क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। क्या होता है, ग्रेविटेशनल, क्या होता है बोलो, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर अर्थ के सरफेस के ऊपर है तो अर्थ क्या करती है, उसको सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है, उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, अपनी तरफ क्या करती है, खींचती है। ठीक है, अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करती है। तो उसकी वजह से जो मास पे फोर्स लगता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसको ही बोलते हैं हम लोग वेट। क्या बोलते हैं उसको, वेट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? डाउट है? ठीक है, कुछ रहेगा तो कमेंट करो। सो ग्रेविटेशनल फोर्स बाय विच, ग्रेविटेशनल फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द सेंटर इज कॉल्ड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देयरफॉर वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अर्थ। ठीक है, ये कैसे डिफरेंट होती, क्या है, इसके बारे में जब हम आप थोड़ा आगे जाएंगे तो हम देखेंगे। ठीक है, तो वेट क्या है, वेट क्या होता है, कोई भी मास जो अर्थ पे है, ठीक है, सपोज ये एक मास है, ठीक है, या एक ह्यूमन है, इसके ऊपर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, वो जो वेट फोर्स की वजह से जो वेट बनेगा उसको क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। ठीक है, सो ग्रेविटेशनल फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट टूवर्ड इट्स सेंटर इज कॉल्ड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि उसको अट्रैक्ट कर एक डायरेक्शन है, इसलिए क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, यहाँ तक ऑलराइट।